अब एक होता है दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड क्या है? देर कैन बी लॉट ऑफ यूजेस ऑफ जावा दिस कीवर्ड। इन जावा दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल, एक रेफरेंस के वेरिएबल के जैसा यूज करते हैं, दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपके प्रोग्राम में, लेकिन करंट ऑब्जेक्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको रेफर करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड। देखिए, दिस कैन बी यूज टू रेफर करंट करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड इम्प्लिसिटली, और दिस कैन बी इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। मेथड और कंस्ट्रक्टर दोनों को इन्वोक कर सकता है। दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के जैसा हम फंक्शन को कॉल करने के लिए इसको कर सकते हैं यूज। दिस कैन बी पास्ड एज आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल, जब कंस्ट्रक्टर मतलब दोनों चीज़ें हैं, देखिए जहाँ मेथड है वहाँ कंस्ट्रक्टर के लिए भी यूज हो सकता है। दिस मेथड के लिए भी यूज हो रहा है, कंस्ट्रक्टर के लिए भी हो रहा है। दिस कैन बी यूज टू रिटर्न द करेंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मैथड। ठीक है, तो ये जावा में दिस कीवर्ड का यूज है। सर, ये दिस कीवर्ड अगर दो साइमल्टेनियसली क्लास इंस्टांस क्रिएट कर दिए तो किसको रेफर करेगा? ये क्यों करेगा? दिस कीवर्ड का काम ही यह है कि कौन सा करंट में कौन सा ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है उसको रेफर करने के लिए, ये नहीं करेगा क्रिएट। अगर आपके नहीं, क्लास में क्रिएट हमने किए, अगर दो क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए साइमल्टेनियसली तो दिस कीवर्ड किसको रेफर दिस करेगा? कीवर्ड किसी को रेफर नहीं करेगा। दिस कीवर्ड आप लिखोगे उसमें कि कंपाइलर कंफ्यूज ना हो कि अभी दोनों जो साइमल्टेनियसली आपने क्रिएट किया दो ऑब्जेक्ट, उन दोनों ऑब्जेक्ट में से किस ऑब्जेक्ट को यूज करना है, रेफर करना है, वो आप लिखोगे उसमें। दिस दिस ऑटोमेटिक नहीं होता, दिस आप लिखते हो। देखो इसमें अब यहाँ पे क्या है, क्लास है स्टूडेंट, इसका रोल नंबर है, नाम है, कोर्स है और फीस है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये बनाया क्या, कंस्ट्रक्टर बनाया जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ हाँ क्या सर, है कि रोल नंबर, ठीक है, हाँ रोल नंबर, अब ये कंस्ट्रक्टर के अंदर भी सेम नाम से रोल नंबर है, दिख रहा है, सर, और यहाँ बाहर भी रोल नंबर है। ठीक है, सर, तो ये कंपाइलर को बता रहा है कि इस बॉडी के अंदर दिस लगा रहे हैं यहाँ पे, तो बोल रहा है कि नहीं, ये जो दिस रो इतिस मतलब इस ऑब्जेक्ट, ये जो रोल नंबर है ना, इसको रेफर करो, हाँ बाहर वाले को अभी नहीं करो, यहाँ पे जो यूज हो रहा है उसके लिए। अच्छा अब यहाँ नीचे आओ, आप नीचे आओ, देखो अब यहाँ पे फीस जो, यहाँ पे बोला कि सब कुछ तो बाहर वाले को रेफर कर लो, लेकिन जब फीस की बात आएगी ना, जब फीस की बात अच्छा आएगी तो अभी इसको नहीं करना। नाम और रोल नंबर यहाँ से कर सकते हो, कोर्स यहाँ से कर सकते हो, लेकिन जब फीस की बात आएगी तो फीस इस वाले को रेफर करना। ओके सर, जैसे कि अगर इसमें जो हमने पैरामीटर पास किया स्टूडेंट वाले में, हाँ बोल। कंस्ट्रक्टर का मेथड ओवरलोडिंग किया फ्लोट फी, तो इसमें अगर एफ कैपिटल भी होता तो फिर दिस डॉट एफ कैपिटल होता। नहीं, फिर तो फिर जरूरत ही नहीं था ना, जब सेम नाम नहीं होगा तो फिर दिस लगाने की जरूरत क्या है? जब सेम नाम से हो तब कंफ्यूज होगा ना आपका कंपाइलर, हाँ, तो उस केस में दिस लगाएंगे। जब अलग अलग अगर आपने बनाया, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एफ और स्मॉल एफ को दोनों अगर केस सेंसिटिव है तो दोनों अलग अलग हो गए, तो हाँ फिर दिस सर, कीवर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जो है वही यूज कर लेंगे। हाँ,